तब तो उस सिकंदर का राज इसने पूरे देश पे पूरे विश्व पे दुनिया पे राज करा, यहाँ के तो उसका भी इलाज हो गया था। बैठाया हुआ व्यक्ति कुर्सी से दो दिनों बैठ गया तो दबदबा हम लोगों का है कि हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया और उसके व्यक्ति को हटवाने पद से हटवाने का काम किया। दिल्ली के आसपास हरियाणा पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटों का दबदबा है और जिसका भी दबदबा होगा उस दबदबे को मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। जाटों का दबदबा वहां था, जाटों का दबदबा आया, जाटों का दबदबा रहेगा। मोदी जी पूछ रहे हैं क्यों करा कम, तुम करते मत, तुम दबदबा कम करते मत, जब देखते जाट जाट तो अब इलाज करेंगे। दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबे को कौन रोक सकता है, यही टैगलाइन बिभूषण शरण सिंह की थी चुनाव जीतने के बाद। अपने करीबी को चुनाव संजय सिंह और बबलू को चुनाव जिताने में कामयाब होते हैं, उसके बाद ये लगातार चलता है। फिर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के खासकर जाट समुदाय से जो आते हैं रेसलर, उन लोगों ने संन्यास की घोषणा की, संन्यास लिया, उसके बाद फिर अब उसी के लिए जहां जाट समुदाय में एक बड़ा आ रहा था तो उनको साधने की कोशिश जरूर सरकार की तरफ से, और आज खेल मंत्रालय की तरफ से WFI को निरस्त कर दिया गया है, चुनाव को हटा दिया गया है, जो उसके पदाधिकारी थे तमाम पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। हमारे साथ जाट समुदाय के लोग हैं, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसान नेता हैं। इस समय जो चल रहा था, आज जो WFI है भारतीय कुश्ती महासंघ को हटा दिया गया है, सारे पद बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो क्या जो दबदबा किसानों के सामने और खासकर जाटों के सामने दबदबा दबदबे पे रोक हटा दिया गया? देखिए पहले से बात में ब्रजभूषण की है, उस बयान में बता दूं कि दबदबा था, दबदबा है, रहेगा। दबदबा तो ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, दबदबा तो उस सिकंदर का राज इसने पूरे देश पे पूरे विश्व पे दुनिया पे राज करा, यहाँ के तो उसका भी इलाज हो गया था। और रही खासकर बात महिला पहलवानों के आंदोलन की, हम उस आंदोलन में रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास हरियाणा पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटों का दबदबा है और जिसका भी दबदबा होगा उस दबदबे को मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। जाटों का दबदबा वहां था, जाटों का दबदबा आया, जाटों का दबदबा रहेगा। उस ब्रजभूषण को हम बताना चाहते हैं कि हमारा दबदबा था तो अपने आदमी को जिता के लाया, लेकिन हमारा दबदबा इतना था कि दो दिन में हमारी बहन साक्षी मलिक ने संन्यास लिया और बजरंग पूनिया ने अपने आवाज वापसी करा, तो इन्हें दिखा कि ये जाट है, दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। दिल्ली की केंद्रशासित दिल्ली की जो मैं शासन कर रही जो सरकार, उसे लगा कि दिल्ली में कब्जा कर लेंगे, तुरंत ब्रजभूषण का इलाज कर दिया। और रही ब्रजभूषण के दबदबे की बात, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बीच हमारे बीच में भेज के छोड़ भेज दो, टेम धर के ना उसका दबदबा खत्म कर दिया तो इलाज ना कर दिया तो हमारा नाम जाट नहीं। हम लोग तो ये कहते थे कि जो हमारे महिला पहलवान है या भी देश के जो पहलवान है उनकी कोई जाति नहीं होती। हमने 45 दिन तंत्र मंत्र पर आंदोलन चलाया, लेकिन ये प्रोपगेंडा किसने चलाया? ये प्रोपगेंडा उन 45 दिनों में उसी ब्रजभूषण के लोगों ने चलाया कि ये महिला पहलवानों का नहीं, देश के गौरवों के पहलवानों का नहीं, ये जाटों का आंदोलन है। इसलिए हमें मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि अगर वो जाटों का आंदोलन था और ब्रजभूषण सिंह अपनी जाति का पीछे वेश धारण करके अपनी जाति के लोगों को आड़े लाकर अगर दबदबा बना सकता है, तो आज उसी जाट जाति के लोगों ने उसका और उसके लोगों का दबदबा खत्म करने का काम किया है। दबदबा तो हम तब मानते जब ये आरोप लगा महिला पहलवानों की तरफ से, कोई छोटे मोटे वो पहलवान नहीं, देश के गौरव हैं, उन पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया और आरोप सिद्ध भी हुआ। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया और उन्होंने भी उन आरोपों पे कि FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में जो डैमेज हो रहा था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और खासकर हरियाणा के जहां जाटों का दबदबा है, इस चीज को डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है? दबदबा तो तभी माना जाता जाटों का जब कार्रवाई होती कोई। देखिए आप FIR की बात कर रहे हैं, FIR तो जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था उससे पहले मना कर रहे थे FIR लिखने को, उसी दौरान FIR हो गई थी और जो 8 लड़कियां थी उनके बयान भी दर्ज हो गए थे। अब मामला सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और संविधान से बड़े ना हम है, ना ब्रजभूषण शरण सिंह है, ना पहलवान है, ना इस देश का कोई भी व्यक्तित्व है। जो भी फैसला आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगा। लेकिन बात इस दबदबे की थी, उसने दबदबा इस बात पे कहा कि आप लोगों ने मुझे WFIA के पद से हटवाया, भारतीय कुश्ती संघ के पद से हटवाया, तो मैं अपने आदमी को बनवा लाया संजय सिंह। और वो बड़ा खुश होकर उसने मीडिया के सामने कहा कि हमारा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आज हम भी आप लोगों के मीडिया के सामने कहना चाहते हैं कि जट्टों का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। कुश्ती में संजय सिंह को कुश्ती की कुर्सी पर बैठने से पहले बर्खास्त करना पड़ गया, उसी की सरकार को बर्खास्त करना पड़ गया, तो दबदबा किसका हुआ? वो सत्ता में बैठा है, लोकसभा का सांसद है, पूर्व में अध्यक्ष रह चुका है, अपने आप को बाहुबली बताता है, कहता है पूरे देश का ठाकुर समाज उसके साथ खड़ा है, फिर भी उसका बैठाया हुआ व्यक्ति कुर्सी से दो दिनों बैठ गया तो दबदबा हम लोगों का है कि हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया और उसके व्यक्ति को पद से हटवाने का काम किया। क्या लगता है जो ये जो आरोप लगे
बिभूषण शरण सिंह पे, ऐसा लगता है कि अगर ये भाजपा के सांसद ना हो कि विपक्ष के सांसद होते, किसी और पार्टी के सांसद होते, तो इसी तरह खुलेआम घूम रहे होते और जिस तरह चैलेंज करते दबदबा है दबदबा रहेगा दबदबा। अगर अगर भाजपा का सांसद ना होता और किसी विपक्ष पार्टी का सांसद होता तो अब तक तो उसका इलाज क्या कर दिया जाता, ये तो क्षेत्र में नहीं घुस पाता जो दबदबा बता रहा है अपना आपको कि मेरा दबदबा है और दबदबा रहेगा, दबदबा आपका गया और दबदबा जाटों का रहा और जाटों का दबदबा रहेगा, इलाज कर देंगे इसका आप क्या, अगर ये क्षेत्र में आ गया तो इसके इलाज कर देंगे, लठ लेकर तैयार बैठे हैं, इलाज कर देंगे, बिल्कुल इलाज हो जाएगा, गांव के लोग लठ लेकर तैयार हैं। मोदी जी तो साथ हैं, मोदी जी खुद झुक गए, मोदी जी खुद ही झुक गए, जाट ने झुका दिए, मोदी जी कहां झुक रहे थे 13 महीने में झुका दिए जाट ने, जाट ने झुका अपना झुका, जाट जाट मोदी जी के साथ है, जाट लैंड है एकदम, जाट मोदी जी के साथ है, जाट जाट तो अपना आप में बलवान है, जाट तो अपना में सक्षम है, जाट तो जिसकी तरफ चला, जाटों ने जिस तरह इस चुनाव को सरकार ने ये जो फैसला लिया है, खेल मंत्रालय ने जो फैसला लिया है, WFI को बर्खास्त किया है, रद्द किए हैं उसके सारे पदों से हटा दिए गए हैं लोगों को, तो ये कहीं जो चुनाव को देखते हुए जिस तरह जाट लामबंद हो रहे थे इस मुद्दे पे पहलवानों के साथ खड़े हो रहे थे, तो इसी को देख के कहीं मोदी जी ने ये फैसला लिया, तो अब क्या जाट इससे संतुष्ट है? देखो मोदी जी को पता लग गया था कि जाट जो है बिगड़ गया है, और जब जाट बिगड़ जाए ना तो जाट जिसकी तरफ चले जाए उसकी सरकार बना देता है, तो इन्हें ये पता लग चुका है कि हमारी सरकार जाने वाली है, इसलिए ये सब चीज इनके दबदबा सब इनका इनके घुड़ गया, इनका दबदबा जो दबदबा बता रहे थे अपना आप में कि हमारा दबदबा है, उनका दबदबा खत्म हो चुका, दबदबा भी है जाट का है, जाट ही जाटों का दबदबा रहेगा और किसी का दबदबा नहीं है। बात अगर इसमें कही जा, क्योंकि हमारी जो बहन बेटी थी उनके साथ बहुत गलत किया गया, और अब क्या जो है बिल्कुल जाट बिरादरी के लोग बिल्कुल तैयार बैठे एकदम लठ ले गए, अगर आगे तो अब क्या लक्षण आ देंगे। मोदी जी ने दबदबा कम कर दिया है तो मोदी जी के साथ 2024 में जाट जा रहा है कि नहीं? मोदी जी ने तो दबदबा कम कर दिया, मोदी ने क्यों कर दिया दबदबा? मोदी जी पूछ रहे हैं क्यों करा कम, तुम करते ही मत, तुम दबदबा कम करते मत, जब देखते जाट जाट तो अब इलाज करेंगे, इलाज करेंगे, इलाज कर देंगे आपके जाट, क्या इलाज करेंगे वो बता देंगे 2024 में पता लग जाएगा क्या इलाज। तो आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि अगर मोदी जी ने दबदबा कम कर दिया उसे कुश्ती संघ के पद से हटा दे, क्या जाट साथ देगा? जाट कभी भी 13 महीने नहीं भूलने का जो 13 महीने उन जाटों को और उन किसानों को बॉर्डर बैठा कर रखा, जाट कभी वो दिन नहीं भूलने का कि जब उनकी बेटियों के सिर पर पैर रखे गए, जाट कभी वो दिन नहीं भूलने का कि जब उस देश की बेटी अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर बैठी थी तब उन पर लठियां लठियां बजाई गई, जाट वो दिन नहीं भूलने का जब 2016 में जाट आरक्षण के नाम पे इसी मोदी जी ने लठ बजाए थे, तो जाट इस ब्रजभूषण का इलाज करने पर जाट मोदी जी के साथ चले जाएगा, जाट अपना शत्रु कभी नहीं भूलता और जाट ने शत्रु अपने मोदी के रूप में देख रखा, जब तक जाट चुप नहीं बैठने का जब तक मोदी को दल से हटा देंगे। अरे महाराज, जब किसान आंदोलन के बाद चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट एक तरफा सीधा बीजेपी के साथ चला गया, एक तरफा सीटें जीत गई बीजेपी, कहाँ जीत गई? मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ, 6 में से 5 सीट गठबंधन पे है, मेरठ में छात्र राजनीति करी, 7 में से 4 सीट गठबंधन पे है, बागपत में देख लो, बागपत में जो छपरौली सीट हमारे पे है, बड़ोत वाली इन्होंने 500 से हरवाई, तो पूरे पश्चिम का जाट इस तरह हो रहा था कि इस बार भाजपा को घुसने नहीं देंगे गांव में, और बढ़िया वहां प्रचार भी किया और सीटें भी ठीक ठाक लेके आए। देखिए सीट साठ ठीक ठाक नहीं लाए, सीट तो अपना इनकी कमी रही वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन बात अगर उसकी है सीटों की और उसकी, तो बात यह है कि गांव में लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अगर संवैधानिक तरीके चुनाव होते हैं तो कोई भी प्रत्याशी आगे वोट मांग सकता है। चुनाव किसान आंदोलन के दौरान की बात हमारी है, मैं सिसोली गांव से हूँ, भाजपा का स्थायी विधायक को उसी गाड़ी के शीशे तोड़े भगाया, एक भी सांसद विधायक कोई भी गांव में नहीं घुस पाया चुनाव के दौरान। तो देखो हम भी संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोगों का स्वतंत्र है कि वोट कौन वोट कहां दे रहा, बात जट्टू की है तो जट्टू ने खुल के राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट ने काम किया। आप लोग जिला पंचायत उठाकर देख लो, मेरठ में 33 सीट है जिला पंचायत की, 4 जीत पाई थी किसान आंदोलन के दौरान, भाजपा 29 सीट दी थी गठबंधन को जीत के, जिला पंचायत अध्यक्ष तो ये लोग पैसे की उससे बना लेते हैं, लेकिन जो वोट जनता डालती है वो जनता जट्टू ने राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी आदरणीय अखिलेश यादव जी को गठबंधन से जिता के भेजने का काम करा वहां से।